इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। कोरोना कहर भले ही थमता नजर आ रहा हो, पर पॉजिटिव मरीजों की तादाद में इजाफा होता ही जा रहा है। लोगों में कोरोना बीमारी का खौफ भी काफ़ी हद तक घट गया। भारत में बेरोजगारी, महंगाई तो आसमान छू ही रही है, पर इसके साथ कोरोना के मरीजों में इस कदर इजाफा हुआ है कि भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करने वाले कहीं भारत को दुनिया में कोरोना मरीजों में अव्वल नंबर हासिल करने की नौबत लाती दिखाई दे रही है। भारत अब तक तीसरे नंबर पर था, पर अब ब्राज़ील को भी पीछे कर दूसरे नंबर पर पहुँचा है। अब सिर्फ अमेरिका पहले नंबर पर है। क्या अगर भारत पहले नंबर पर आता है तो इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराया जाए या मोदी सरकार के तमाम महकमों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा? इसलिए कि जब हर कामयाबी को मोदी की कामयाबी बताई जाती है, जबकि कोई कामयाबी है नहीं, फिर आज देश की तमाम बिगड़ती अर्थव्यवस्था के साथ कोरोना के बढ़ते मरीज के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? बेलगाम शहर में भी पिछले दो दिनों में 800 के करीब पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। मौतों का आंकड़ा अब कुछ हद तक काबू में तो आया है, पर कहा यह जा रहा है कि कोरोना से मरने वालों की तादाद को हुकूमत छिपा रही है। इसके पीछे क्या वजूहत है, इसके तफसीलात हासिल नहीं हुए, क्योंकि जो आंकड़े हुकूमत दे रही है इससे कई गुना ज्यादा मौतें हो चुकी है। सेहत महकमा की जानिब से बेलगाम जिले में पिछले 5 महीनों में मौतों का आंकड़ा सिर्फ 211 बताया जा रहा है, जबकि हकीकत में कई गुना मौतें हुई हैं। हम सभी जानते हैं कि कई मरीजों का इलाज न होने से अस्पताल के दरवाजों पर ही मौत हो चुकी है। कई मयतों को अंजुमन कब्रिस्तान और शमशान घाट में चिता दी गई है। आखिर ऐसा क्यों है कि हुकूमत असल आंकड़ों को नहीं दिखा रही? इसमें क्या राज छिपा है? अगर सिर्फ शमशान घाट से ही कोरोना से मरने वालों की तादाद का आंकड़ा लिया जाए तो सेहत महकमा के आंकड़ों से मैं नहीं खा रहा है। ऐसा भी हुआ है कि कुछ सरकारी अफसरान ने भी इत्तला दी है कि कई बार सिर्फ एक ही दिन में 60 से भी ज्यादा मौतें बेलगाम जिला में होने की बात कही जा रही है। निजी अस्पतालों को छोड़ सिर्फ सिविल अस्पताल में हर रोज 15 से 20 मौतें हो रही है, पर सरकारी दफ्तर में 4 या 5 ही दर्ज हुए हैं। आखिर इन आंकड़ों में तफावत क्यों? पर तकनीकी खराबी की वजह से सही आंकड़ों की मालूमात नहीं दे पा रहे, ऐसा कहा जा रहा है। जो भी हो, पर इतना जरूर है कि इन आंकड़ों के खेल में कुछ छिपा जरूर है। कहने को बेलगाम स्मार्ट सिटी के फेरिस में शुमार है, पर यहाँ देखा जाए तो सहूलतें कम, मुश्किलों का सामना ही आवाम को ज्यादा करना पड़ता दिखाई दे रहा है। स्मार्ट सिटी का ढिंडोरा अक्सर पीटा जाता है, पर यह डोल उस वक्त फट जाता है जब सिर्फ आधा घंटा बारिश शहर और अतराफ में होती है। इतवार के रोज सिर्फ आधा घंटा धुआंधार बारिश ने एक बार फिर स्मार्ट सिटी को बेनकाब किया। आखिर क्या बात है कि हर साल बाढ़ जैसे हालात बनते हैं तो निचली सतह पर तो पानी आता ही है। अगर इसके बारे में अगर कुछ कहा जाए तो निचली सतह पर घरों को तामीर करने की इजाज़त किसने दी वगैरह कई सारे बातें आती हैं, पर बाजारों में भी पानी घरों में दुकानों में दाखिल होता है। आखिर जमीनी गटर, जमीनी बिजली की तारें, आखिर कब यह खौफ पूरा होगा? कुछ लम्हे बारिश आती है तो बेलगाम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी ठहर जाता है। आखिर स्मार्ट सिटी महकमा या कारपोरेशन क्या वाकई संजीदगी से कामों को अंजाम दे रही है? शहर के चारों तरफ कामों की इफ्तिताह तो बड़े जोर शोर से और इफ्तिताही तस्वीरों के साथ शुरू तो किया जाता है, पर इसकी रफ्तार वक्त के साथ धीमी होती जाती है, लिहाजा आवाम को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। कई जगहों पर इन्हीं अधूरी कामों की वजह से हादसा पेश आते हैं। लिहाजा स्मार्ट सिटी का ढिंडोरा पीटने से बेहतर है कि कामों को जल्द मुकम्मल कर सहूलतें आवाम के खिदमात में पेश किए जाए। कल की बारिश ने एक बार फिर यह बेलगाम वालों को एहसास दिलाया कि स्मार्ट सिटी तो महज कागजों पर ही है, मुश्किलात के पहाड़ आज भी वहीं हैं जहां थे। भारत में करोड़ों अरबों खरबों रुपये के घोटाले वैसे भी आम बात है। वजीर आजम महज ऐलानात के जरिए दिल बहलाते रहते हैं। वैसे भारत को गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का मुल्क कहा जाता है, पर अक्सर इसकी कीमत गरीबों को ही चुकानी पड़ती है। अगर बैंक में कुछ रुपये छोटा सा कर्ज अदा न करने पर घरों तक बैंक वाले पहुंचते हैं, पर उन अमीर मल्या, मोदी, चौकसी जैसे पता नहीं कितने अमीर होंगे जो लूट मार कर माशरे में इज्जत, शान और शौकत से जीते रहते हैं, कहते हैं अमीरों के दरवाजे पर
हुकूमतें भी सलाम करती हैं, पर जिंदगी तो गरीबों की दुश्वार होती है जिनका जीना भी मौत से बदतर होता है। दो वक्त की रोटी मेहनत मशक्कत से खाने के लिए दुनिया उन्हें देती ही नहीं, लिहाजा एक बार फिर सड़कों के किनारे पर सब्जी फ्रूट फेरी वालों को हटाने की मुहिम ट्रैफिक महकमा ने ली है। गणपत गली शनवार खुट और खड़े बाजार काकती वेस के तमाम सड़कों पर छोटी मोटी तिजारत कर अपना गुजारा करने वालों को हटाया जा रहा है, लिहाजा इसकी मुखालिफत में कुछ फेरी वालों ने, सब्जी फ्रूट बेचने वालों ने डीसी बेलगाम के सामने एहतजाज किया और अपनी रुदाद बयान की। इनका कहना है कि पिछले 5 महीनों से कोरोना की वजह से तमाम बाजार बंद थे, किसी तरह से हमने अपना गुजारा अभी शुरू किया हुआ है। लॉकडाउन के वक्त सख्त हालात से गुजरकर हमने अपनी रोजी रोटी के लिए जद्दोजहद अभी शुरू की है। जो दिन भर सब्जी फ्रूट बेचते हैं इसी पर हमारा गुजर बसर होता है, लिहाजा ट्रैफिक महकमा की वजह से ट्रैफिक जाम की वजह बताकर हमें भगाया जा रहा है, हमें पीटा जा रहा है, लिहाजा हमें जीने दो और हमें जिंदा रहने दो, ऐसा इन्होंने कहा। डीसी बेलगाम से मुतालबा पेश करते हुए ये भी कहा कि जल्द बेलगाम ट्रैफिक पुलिस और कॉरपोरेशन आमिले को हुक्म दे दिया जाए कि सब्जी फ्रूट बेचकर गुजारा करने वालों पर कार्रवाई ना करें। अब देखना यह है कि डीसी बेलगाम क्या हुक्म देते हैं। यूं ही खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।